गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में तो टीएनपीएल का एक्शन रिज्यूम होगा आज से डंडीगुल में आ, मैच नंबर सेवन की बात करेंगे अपन इस वीडियो में नला रॉयल किंग्स वर्सेस डंडीगुल ड्रैगन्स के बीच ये मैच नंबर सेवन खेला जाएगा आज डबल हेडर है तीस जून के दिन यानी कि आज ही के दिन थर्सडे तीन बज के पंद्रह मिनट पर ये मैच नंबर सेवन खेला जाएगा और मैच नंबर एट शाम को सात बज के पंद्रह मिनट पर खेला जाएगा इस मैच की बात करेंगे अपन इस वीडियो में उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन प्रेस कर दो और इस मैच से पहले डेढ़ बजे एक जैकपॉट मैच है आपके लिए यू एस ए वर्सेज़ नमीबिया उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है तो जाके आप देख सकते हो इससे पहले वो मैच है और अच्छा मैच है इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है अब इस मैच में जो बेसिकली चीज़ चेंज हुई है वो सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुई है कि वेन्यू ठीक है जो पहले छः मैचेस थे वो खेले गए थे आपके त्रिनुवेली में अब आने वाले छः मैचेस जो हैं वो आपके खेले जाएंगे डिंडीगुल में तो एन पी एल एन पी आर कॉलेज ग्राउंड डंडीगुल कैसा रहता है तो देखो टोटल फोर्टी नाइन मैचेज हुए इस वेन्यू पे फोर्टी नाइन में से बाईस बार वो टीम जीती है जो बैटिंग फर्स्ट कर रही है और जो चेस कर रही है वो सत्ताईस टाइम जीती है अभी क्योंकि फ्रेश विकेट्स बनाए गए हैं डिंडीगुल के इस एन पी एन पी आर कॉलेज ग्राउंड पे ग्राउंड थोड़ा छोटा है विकेट्स थोड़े अच्छे हैं तो आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल सकते हैं एक सौ सत्तर से एक सौ अस्सी ऑन एन एवरेज आप फर्स्ट इनिंग स्कोर मान के चल सकते हो और चेजिंग टीम को हल्का सा फ़ायदा होगा ड्यू के साथ ठीक है वेदर की बात करूँ अगर डिंडीगुल के तो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस क्लियर वेदर रहने वाला है कोई दिक्कत नहीं है बारिश वारिश की कोई चांस नहीं है पूरा मैच आपको देखने को मिलेगा तो ये थी आपकी प्री इन्फो इस मैच के बारे में आगे चलते हैं स्क्वाड की तरफ तो स्क्वाड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चाहे वो नेल्लाई रॉयल किंग्स हो चाहे वो डेंडीगोल्ड ड्रैगन्स हो इनके पहले पहले मैच में तो हम सीधा प्लेइंग लाउंड पर आते हैं और इनके रिसेंट परफॉर्मेंसेस की बात अपन कर लेते हैं नेल्लाई रॉयल किंग्स से अपन स्टार्ट करते हैं क्योंकि भाई अनबीटन टीम है अभी तक दो मैचेस खेले हैं दोनों के दोनों मैचेस जीते हैं लेकिन Uh, हुआ क्या है कि इनका जो एक ओपनर है परदोश रंजन पॉल अभी तक मिस फायर कर रहा है दो मैचेस में सिर्फ आठ रन बनाए सीजन वहीं आप दूसरे ओपनर की तरफ जाओगे लक्ष्मी सूर्यप्रकाश दो मैचेस में नाइन्टी सेवन रन वो बना चुके हैं वन डाउन बाबा अपरजीत दो मैचेस में चौंतीस रन इनके पास है विकेट कोई अभी तक इन्हें मिला नहीं है बाबा इंद्रजीत दो मैचेज अट्ठारह रन ठीक है अब लोग क्या करेंगे इनको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे किसको परदोष रंजन पॉल को बाबा अपरजीत को बाबा इंद्रजीत को लेकिन आपको क्या करना है इनको ग्रैंड लीग में कम से कम दो दो टीमों में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देनी है स्पेशली परदोष रंजन पॉल भाई बहुत तगड़ा प्लेयर है जिस दिन फटेगा बहुत बुरा फटेगा साठ सत्तर अस्सी रन आपको अकेले परदोष रंजन पॉल बना के दे सकते हैं तो ग्रैंड लीग में जरूर इनको सी करना आज के मैच के में बात कर रहा हूँ बाकी स्मॉल लीग में आपके लक्ष्मी के सूर्य प्रकाश है दो मैचेस में 97 बाबा अपरजित है दो मैच में चौतीस बाबा इंद्रजीत विकेट कीपिंग सेक्शन दो मैचेस 18 रन ठीक है टॉप चार में से ये टॉप तीन आपको लेने हैं आपकी स्मॉल लीग टीम में आगे चलोगे तो संजय यादव भाई दो मैच में एटी रन बना चुके हैं अभी तक और तीन विकेट भी ले चुके हैं अजितेश ने लास्ट मैच में अच्छा किया था चौसठ रन बनाए थे और अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली जिताया था विकेट कीपिंग करते हुए दिख जाते हैं आपको जी जितेश फिर आते हैं जितेंद्र कुमार दो मैच में दस रन आर्या योहन मेमोन एक मैच खेला और एक विकेट इनको मिला था लास्ट मैच इनको खिलाया गया था मोहम्मद शाहजहा मैचेस मिल रहे हैं लेकिन ना बैटिंग आ रही है ना बॉलिंग आ पा रही है एन एस हरीश दो मैचेस खेले अभी तक तीन विकेट उन्होंने निकाले या तृष्वराज डेविडसन दो मैचेस तीन विकेट तो यह है भाई नल्लाई रॉयल किंग्स के प्लेयर्स और उनके अभी तक के रिकॉर्ड्स इस टूर्नामेंट में जो उन्होंने बनाए हैं लक्ष्मेश अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ठीक है परदोश पूरी करें लेकिन ग्रैंड लीग के लिए अच्छा प्लेयर है बाबा अपरजित बाबा इंद्रजीत संजय यादव के बेस्ट ऑलराउंडर इस टीम से और बॉलिंग से बात करोगे तो अथिस राज डेविडसन और एन एस हरीश जॉय ठीक ठाक कर रहे हैं ठीक है ये बात हो गई नल्लाई रॉयल किंग्स की आगे चलते हैं डेंडेगुल डेंडेगुल की बात करूँ तो दो मैचेस खेले हैं। सीजन एक जीती है और एक हारी है जबकि टीम इनकी बहुत अच्छी है ओपनर्स देखो के विशाल वैद लास्ट मैच में इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया फर्स्ट मैच में इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया था लेकिन लास्ट मैच में इनको ओपन में प्रमोट किया और तगड़ी इनिंग उन्होंने खेली थी फोटी एट कुछ की तो विशाल वैद्य दो मैचेज में सिक्सटी फाइव रन ओवरऑल इन्होंने चौदह मैचे में छः सौ अड़ को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में उतने रन बनाए के विशाल वैद ने तो बहुत तगड़े प्लेयर हैं विशाल वैद उसके बाद हरी निशांत के कैप्टन दो मैचज़ में एट्टी रन ये बना चुके हैं मनी भारती दो मैचेज में सिर्फ पच्चीस रन बनाए जैसे प्रदोष रंजन पॉल हैं वैसे ही मनी भारती हैं बहुत तगड़े प्लेयर हैं ग्रैंड लीग के आपके सी बी मनी भारती भी इवन मैं तो स्मॉल लीग में भी रिस्क ले सकता हूं फिर आते हैं एजी प्रदीप दो मैचेस में आ, दो मैचेस खेले हैं पच्चीस रन इन्होंने बनाए थरी हरन आपके चौथे ग्रैंड लीग के प्लेयर हैं हेड टू हेड में बहुत तगड़ा करते हैं इसलिए मैं मौके थरी हरन को स्पेशली रिकमेंड करूंगा आज के मैच की जीएल में आर विवेक की बात करूँ तो दो मैचेस खेले हैं अट्ठाईस रन बनाए और तीन विकेट ये ले चुके हैं आ, करा परम बिल मोनिश की बात करो दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये बॉल डालते हैं दो मैचेस में पैंतीस रन भी बनाए साथ में एक विकेट भी लिया है लक्ष्मी नारायण विघनेश दो मैचेस बत्तीस रन ज़रूर बनाए लेकिन विकेट कोई नहीं मिला है अब लक्ष्मी नारायण विगनेश भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी एल क्या मैं तो इवन स्मॉल लीग में रिकमेंड करूँगा आप लक्ष्मी नारायण विगनेश ज़रूर लो ठीक है सिलंबरसन दो मैचेस दो विकेट लास्ट के मैच में ही एक ही ओवर में दो विकेट निकाले थे बाकी सिलंबरसन की बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन ये डाल देते हैं ठीक है मनोज कुमार दो मैच एक विकेट लास्ट में बहुत बुरा सूता गया था मनोज कुमार को तीन ओवर में शायद चालीस रन इन्होंने लीक कर दिए थे फिर आते हैं रंगराज सुतेश दो मैचेस दो विकेट लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ये बॉल डालते हैं ठीक है इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ तो भाई विशाल वैद सभी लेंगे दो मैचों में पैंसठ रन बहुत तगड़े प्लेयर अच्छी बात है हरी निशान दो दूसरा आपका प्लेयर है जो इंडिबुल की तरफ से इंपॉर्टेंट है तीसरा मनी भारती को मैं पर्सनली इंपॉर्टेंट मानता हूँ थोड़ा सा रिस्की है लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं ठीक है तो ये तीन फिर पूरा मिडिल ऑर्डर खाली छोड़ूंगा विवेक लूँगा मेरा चौथा प्लेयर जो यहाँ से आएगा पाँचवा प्लेयर होगा मेरा लक्ष्मी नारायण विग्नेश और जो मेरा छठा प्लेयर होगा वो होगा रंगराज सुतीश ठीक है ये छः प्लेयर्स मैं डिंडी गुल की तरफ से देख रहा हूँ और डिंडी गुल को ही मैं फेवर करके टीम बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है डंडी गुल जीत सकती है नेलाई रॉयल किंग्स के अगेंस्ट क्योंकि नेलाई रॉयल किंग्स में अभी अपरजीत और इंद्रजीत का फॉर्म ख़राब चल रहा है और हर बार आपको जो है यहाँ से लक्ष्मी से सूर्य प्रकाश जिता के नहीं देंगे स्पेशली जब सामने एल विघ्नेश और रंगराज सुतेश जैसे स्विंग बॉलर मौजूद हो तो मुझे लग रहा है कि आज लक्ष्मेश्वर सूर्यप्रकाश जो है आपको फ्लॉप होते हुए दिख सकते हैं और परदोष रंजन पॉल आपको अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं ठीक है तो यहाँ से प्रदोष बाबा प्रजित और इंद्रजीत मुझे लगता है अच्छा करेंगे संजय यादव एज ऑलवेज ऑलराउंडर आल है तो ये मिडल ऑर्डर मुझे चाहिए ठीक है उसके बाद बॉलिंग से यहाँ आतिश डेविडसन और एन शरीफ मेरे दो बॉलर रहेंगे तो तीन दो पाँच प्लेयर इधर से इधर से मुझे लगता है कि अतिशराज डेविडसन क्योंकि एक अच्छा बॉलर न्यू बॉल बॉलर है तो मुझे लगता है ऐसा आ, कि विशाल वैद जो है आज मतलब फिफ्टी फिफ्टी लग रहा है कि विशाल वैद बनाएंगे या नहीं बनाएंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी दिखाऊंगा उसके बाद आप डिसाइड करना ठीक है तो विशाल वैद हरी निशान मनी भारती ये तीन प्लेयर इधर से और फिर नीचे से आर विवेक फिर लक्ष्मीनारायण विग्नेश और रंगराज सतेश ये छः प्लेयर इधर से छः इधर से पाँच उधर से टोटल ग्यारह प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए जो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में अच्छा कर सकते हैं ठीक है कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में बता देता हूँ पिछले पाँच हेड टू हेड मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो पाँच में से तीन जीता है डेंडी गोल और दो जीता है नल्लाई रॉयल किंग्स 2021 में नलायाई रॉयल किंग्स जीता था रीसेंट की अगर मैं बात करूँ उस मैच में हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ विशाल वेद ने इक्यावन रन बनाए थे ठीक है हेड टू हेड में अच्छा किया था निशान ने दो विकेट लिए थे एन ए हरीश का एक विकेट आर विवेक ने छब्बीस रन बनाए थे हरी निशान ने सिक्सटी रन बनाए थे उसके अलावा 2019 में जो मैच हुआ था उसमें श्री निवाशा बन के पास यानी आर विवेक ने बत्तीस रन बनाए थे डेविडसन के दो विकेट एन एस हरीश का एक विकेट अपरजीत के 44 संजय यादव के 31 वन सुतेश और विग्नेश के दो दो विकेट देख लो है क्यों ले रहा हूँ मैं सुतेश और विग्नेश दोनों को हेड टू हेड में अच्छा कर रहे हैं उसके बाद एक और मैच आप देखोगे उसमें भी सुतेश और विग्नेश के आपको जो है विकेट्स दिख जाएंगे ठीक है तो ये चीज़ है हेड टू तो हेड में अच्छा जो जो कर रहा है मैंने आपको उनके बारे में भी बता दिया है सारी चीज़ें आपके सामने है कौन कौन अच्छा कर सकता है वो भी बता दिया मेरी फाइनल टीम क्या बन रही है ये ज़रा देख लो दो रंजन पोल और मनी भारती मेरे दो विकेट कीपर सूर्य प्रकाश इंद्रजीत और विवेक मेरे तीन बैट्समैन है मैं सूर्य प्रकाश की जगह कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं कैसे पिक कर लूँ जो है हमारे कुमार विशाल वैद उनको मैं पिक कर लूँ क्योंकि सूर्य प्रकाश मुझे लगता है फ्लॉप होंगे और क्योंकि मैंने दोनों ही न्यू बॉल बॉलर लिए हैं तो दोनों ओपनर लेने का तुक बनता नहीं है तो मैं सूर्य प्रकाश को ड्रॉप कर दूँगा ठीक है और यहाँ से विशाल वैद को पिक कर लूँगा तीन ऑलराउंडर है मेरे पास अप्रजित संजय यादव हरि निशां और बॉलिंग से डेविडसन और सुतेश विकेन जो मैंने आपको बताया तो बेसिकली ये रेंडेगुल अगर पहले बॉल डालती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सूटेबल रहेगा बाकी अगर कुछ चेंज होता है मैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर आने मत भूलना मैं मिलूंगा आपके साथ फाइनल टीम्स लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पर तब तक लिए बाय टेक केयर हैव अ गुड डे वीडियो लाइक नहीं किया वो कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई बस इतना ही थैंक यू